हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानकारी साझा करूंगा। श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। इस कारक को हम दो रूप में खंडित कर सकते हैं। पहला जो रूप है वो है आंतरिक कारक, जो बालक संबंधी कारक होते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारक है वो है आपके बच्चे की जो श्रवण दोष है उसकी जो है प्रकृति और नेचर क्या है। तो ये चीज़ जो है इसमें देखा जाता है कि अगर हम प्रकृति और प्रकार की बात करें तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस में जैसा कि हम जानते हैं कि -10 से 25 dB जो है नॉर्मल DBHL होता है, नॉर्मल होता है, और 20-60-40 जो dB है वो आपका माइल्ड है। तो इस तरीके से आपके WHO के अनुसार आपका क्लासिफिकेशन या डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस अलग है और आपका गुडमैन के अनुसार अलग है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि एक बच्चे की अगर माइल्ड हियरिंग लॉस है तो उसका शैक्षिक जो आवश्यकताएं हम देखें तो वो थोड़ा कम रूप में प्रभावित होगा। अगर वहीं एक प्रोफाउंड श्रवण बाधित बालक है तो उसकी जो है शैक्षिक जो अगर हम कहें आवश्यकताएं तो देखा जाए तो वो ज़्यादा बड़े व्यापक तौर पर जो प्रभावित होगा, क्योंकि उसकी जो श्रवण दोष है वो ज़्यादा गंभीर होगी और इस गंभीरता के कारण वो बहुत सारी चीज़ों को जो है आप लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें, एक्वायर करने की बात करें, वो बहुत ही उसको डिफ़िकल्ट होगा। साथ ही में जो इस आपका स्पीच है वो भी डेवलपमेंट उसका प्रभावित होगा। तो इस तरीके से ये आंतरिक कारक है जो बालक संबंधी है। उसके बाद जो दूसरा अगर हम देखें तो बच्चे की पहचान की आयु, बच्चे की शीघ्र पहचान किस उम्र में किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि अगर हम एक बच्चे की अर्ली एज में अगर हम उसकी श्रवण दोष की पहचान कर लेंगे तो उस अर्ली एज में पहचान के माध्यम से हम उसकी शीघ्र हस्तक्षेप कर सकते हैं, हम उसे एक सूटेबल हियरिंग एड प्रोवाइड करा के हम उसको एकेडमिक प्लानिंग कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया कि जिन बच्चों की शीघ्र पहचान अगर या उसके अर्ली एज में अगर श्रवण दोष की पहचान कर लिया गया है उनको एक बेहतर तरीके से उनकी एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो बेहतर जो है एक डिलेड आइडेंटिफाई वाले बच्चे से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है पहचान की आयु क्या है ये एक महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा है उसकी शारीरिक अवस्था, शारीरिक अवस्था कि जो उसका डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किस प्रकार से है ये भी जो है एक हमारे बच्चे के जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट को जो है प्रभावित करता है। चाहे वो अलग अलग जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं वो उस डेवलपमेंट डोमेन्स में शारीरिक अवस्था भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी जो है एक बच्चे के जो एक आंतरिक कारक है जो बच्चे के शैक्षणिक आवश्यकताओं को जो है प्रभावित करता है। इसके अलावा जो है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिसको हम बुद्धि बोलते हैं या बौद्धिक विकास हम जो बोलते हैं ये भी कहीं ना कहीं एक बालक के जो आपके शैक्षणिक आवश्यकताएँ हैं उनको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। अगर उसकी बौद्धिक क्षमता सामान्य तौर पर है तो उसकी जो आपके चीज़ों को सीखने और समझने की जो कार्य है वो बहुत ही बेहतर तरीके से और आसानी से वो करेगा। तो ये चीज़ें, इसके अलावा अभिरुचि और योग्यता भी कहीं ना कहीं एक बच्चे के शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रभावित करता है और ये कारक बन जाता है। अगर उसकी अभिरुचि जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट में या स्पीच डेवलपमेंट में या एक्विजिशन में अगर कहीं ना कहीं अगर वो जो है अभिरुचि या उसका जो है हम बात करें योग्यता अगर कहीं प्रभावित है तो ये जो है एक बच्चे के एकेडमिक अचीवमेंट और उसके शैक्षणिक आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। दूसरा कारक है वो है बाह्य कारक, ठीक। और ये बाह्य कारक जो है उसके एनवायरनमेंट से, आप कह सकते हो कि स्कूल से, घर से और अभिभावक से संबंध रखता है। ये जो हम इसके अलावा जो हम लोगों ने आंतरिक जो कारक देखा था ये बच्चे संबंधी कारक था और ये बाह्य जो कारक है ये आपके उसके वातावरणीय है, घर से है, विद्यालय से है, उसके साथ जो लोग जुड़ के कार्य कर रहे हैं उनसे संबंधी जो ये संबंध रखता है। तो
इसमें से सबसे पहला है शीघ्र हस्तक्षेप। ये शीघ्र पहचान के बाद उसको शीघ्र हस्तक्षेप किस स्तर पर किया गया है, ये चीज़ जो है एक मायने रखता है और ये एक बाह्य कारक है और वो एक बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। उसके बाद सेवाओं के प्रकार, जैसे कि आपका गृह आधारित, केंद्र आधारित, माता पिता अभिभावक सभा जिसको पेरेंट्स मीटिंग बोलते हैं, होम ट्रेनिंग या होम बेस्ड ट्रेनिंग बोलते हैं, सेंटर बेस्ड ट्रेनिंग बोलते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जो एक बच्चे के श्रवण बाद बच्चे के शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। इसके बाद अभिभावक की अभिवृत्ति, या अभिभावक की अभिवृत्ति का मतलब कि पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में किस प्रकार से वो एप्टीट्यूड रखता है, किस प्रकार की वो सोच रखता है। ठीक, तो अगर जैसे वो अपने बच्चे के प्रति सोच रखेगा वैसे ही अपने बच्चे के साथ वो कार्य करेगा। अगर वो अपने बच्चे के प्रति एक नकारात्मक अभिवृत्ति रख रहा है तो बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में वो कम सोचेगा या बच्चे को लेकर, उसके विकास को लेकर वो ज़्यादा चिंतित नहीं रहेगा। लेकिन जो अपने बच्चे के विकास के प्रति सोच रहे हैं, एक सकारात्मक सोच सोच रहे हैं, तो उसके विकास के बारे में वो काफ़ी सोचेगा और वो ये मान के चलेगा कि ये हमारे जो बालक ये सामान्य लेवल तक जा सकता है, एक सामान्य बच्चे के साथ जो है ये इसका विकास हो सकता है। उसके बाद विद्यालयों की उपलब्धता कितनी है, ये चीज़ भी जो है एक मायने रखता है बच्चे के शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने में। तो उपलब्धता में यहाँ पर विशेष विद्यालय और सामान्य विद्यालय दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही किस प्रकार से जो है उसके एजुकेशन में सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं या किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो विशेष विद्यालय हो चाहे सामान्य विद्यालय हो, ये चीज़ भी बच्चे के शैक्षणिक आवश्यकताओं को जो है प्रभावित करता है। विद्यालय व अभिभावक का मार्गदर्शन, विद्यालय को किस तरीके से, बहुत सारे ऐसे विद्यालय जैसे हम सामान्य विद्यालय की चर्चा कर रहे थे, सामान्य विद्यालय में अगर हम एक जो भी विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं अगर उनकी उनको हम सही तरीके से मार्गदर्शित करें, सही तरीके से हम उनको सुझाव दें, तो वो भी इस प्रकार के बच्चों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और बच्चे के साथ जुड़कर उसके विकास को जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ अभिभावक का मार्गदर्शन हम किस प्रकार से दे रहे हैं, एक अभिभावक अपने बच्चे के विकास के बारे में नहीं सोच रहा है तो हम उस अभिभावक को उस बच्चे के बहुत सारे जो स्ट्रेंथ हैं उसके बारे में हम उनको चर्चा करके परिचर्चा करके हम उनको के प्रति एक सकारात्मक सोच जो है विकसित कर सकते हैं और उस सकारात्मक सोच के साथ वो अभिभावक अपने बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उसके बाद अभिप्रेरणा, हम कैसे जो है अभिभावक को साथ में आपके जो विद्यालय है या उसके साथ जो काम करने वाले हैं उनको कैसे हम अभिप्रेरणा दे रहे हैं, कैसे हम उनको मोटिवेटेड कर रहे हैं, किस तरीके से हम मार्गदर्शित कर रहे हैं उनको काम करने के लिए, ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। उसके बाद भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक भी कहीं ना कहीं एक बच्चे के जो है शैक्षणिक आपके जो आवश्यकता है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और सामाजिक कारक, सामाजिक कारक में भी जो समाज किस तरीके से एक विशेष आवश्यकता वाला बालक के प्रति वो क्या सोच रख रहा है, कैसे इस श्रोण बालक के बारे में क्या सोचता है, ये भी कहीं ना कहीं एक कारक है। अगर वो सकारात्मक सोच के साथ जो है उसका सपोर्ट कर रहा है तो एक बालक का जो है शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ही आसानी से होगी, वो कहीं ना कहीं बाधा नहीं बनेगा। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे हैं कारक जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, और कारक का मतलब कि हमारी जो समाज के एक विशेष आवश्यकता बच्चे के प्रति जो सोच है वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर देती है। उसके बाद जो है विचार और अवधारणा, हम क्या वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति हमारा विचार कैसा है और हम क्या उनके प्रति अवधारणा रखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम उनके प्रति एक सकारात्मक और सकारात्मक विचार के साथ जब हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके विकास के प्रति हम सोचेंगे, हम उनके विकास के लिए कार्य करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अभिभावक की साक्षरता, ये भी महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है कि अभिभावक कितना साक्षर है, कितना वो उसके पास लिटरेसी है, ये इस तरीके से जो है आपके ये महत्वपूर्ण जो है एक भूमिका श्रवण बाधित बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में निभाता है। और ये कहीं ना कहीं अगर हम उसको पूर्ति करते हैं
ये एक सकारात्मक सोच के साथ उसके कार्य करते हैं तो उसमें विकास होता है। अदरवाइज जो है इन बच्चों में एक कारक के रूप में, ये जितने भी एक कारक के रूप में देखा जाता है कि अगर वो सहयोग कर रहे हैं तब तो एक अच्छे जो है उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अगर अदरवाइज कारक नहीं कार्य नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके शैक्षणिक आवश्यकता जो है वो प्रभावित हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना ये देना चाहूँगा कि आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा पेपर नंबर 5 आपका जो वीडियो बनाया जा रहा है, इस पर किताब का प्रकाशन किया गया है। उस पुस्तक का नाम है शैक्षणिक विकल्प। आप उस शैक्षणिक विकल्प पुस्तक को प्राप्त करके आप इसके बारे में, श्रवण बाधित बच्चे के एजुकेशन के बारे में और उसके एजुकेशनल मैनेजमेंट सेटिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से चैनल के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जाता है समय पर आपको उपलब्ध होता रहे। धन्यवाद।